नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जून मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में मेडिकल आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने कई प्रकार की छूट दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की ओर से जल्द ही विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग के प्रस्ताव मंत्री शांति धारीवाल को भेजा था। मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद सोमवार को विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मेडिकल सेक्टर के तहत आने वाली गतिविधियों को व्यापक जनहित मानते हुए उन्हें शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाए विभिन्न भू उपयोगों में अनुज्ञेय किया जा सकेगा, लेकिन इकोलॉजिकल इको सेंसिटिव पार्क, खुले मैदान आदि भू उपयोग में यह छूट नहीं दी जाएगी। यह विशेष प्रोत्साहन योजना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, मेडिकल यूनिवर्सिटी आदि की स्थापना या विस्तार के लिए लागू की जाएगी। इस योजना के दायरे में एलोपैथी के साथ ही आयुर्वेद, प्राकृतिक होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के संस्थान भी शामिल होंगे। टोंक जिले के देवली में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के जेईएन के दलाल कालूराम कहार को 8000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं एसीबी ने जेईएन धर्मराज जैन को जहाजपुर से पकड़ा है। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल पंप पर विद्युत कनेक्शन की वीसीआर भरने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। रामथला स्थित पेट्रोल पंप मालिक नंद किशोर ने इसकी शिकायत एसीबी में दी थी, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चूरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के बड़े गांव में एक युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार 5 युवकों ने युवक पर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया और घायल युवक से 5000 रुपए निकाल कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घायल बुद्धाराम प्रजापत को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कोरोना वायरस प्रतिरक्षण टीकाकरण के तहत टीके की बर्बादी के आरोपों के बीच राजस्थान सरकार ने टीकाकरण का ऑडिट करवाने की घोषणा की है और इसके साथ ही सरकार ने दोहराया कि राज्य में टीकों का वेस्टेज 2% से कम है। सरकार बयान के अनुसार राज्य में टीकाकरण के तहत अब तक 1,66,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाकर राजस्थान देश भर में अग्रणी है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में टीकों का वेस्टेज 2% से कम है, जो केंद्र द्वारा अनुमत सीमा 10% तथा टीका वेस्टेज के राष्ट्रीय औसत 6% से बेहद कम है। प्रमुख शासन सचिव एवं स्वास्थ्य अखिल अरोड़ा ने बताया कि कुछ स्थानों पर टीकों की बर्बादी के संबंध में समाचार प्रकाशित हुए हैं। प्रारंभिक जांच में इस प्रकार टीकों की बर्बादी कहीं भी नहीं पाई गई। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद हाईलाइट किए गए स्थानों के जिला कलेक्टर के माध्यम से विशेष रूप से टीका ऑडिट करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में इस संबंध में जारी दिशा निर्देश की अनुपालना भी सुनिश्चित करवाने के लिए कहा गया है। राजसमंद जिले में 8.5 लाख रुपए की लूट की कहानी फर्जी निकली है। पुलिस ने फर्जी लूट का खुलासा करते हुए बताया कि युवक ललित पालीवाल ने नौकरी नहीं होने से मानसिक अवसाद में था। परिजनों को पैसा वाला दिखाने के लिए ललित ने यह झूठी लूट की कहानी रची थी, लेकिन घटनास्थल पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले। आखिरकार पूछताछ में युवक ललित टूट गया और सच्चाई बता दी। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ थाना क्षेत्र के रायावाली गांव में धारदार हथियार से युवक की नरसंहार हत्या किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक ब्रिजलाल हनुमानगढ़ जिले के नोहर का निवासी बताया जा रहा है। हत्या की जानकारी मिलते ही DSP शिवरतन गोदारा, राज्यसर थाना प्रभारी विक्रम तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य और 1985 बैच के IRS अधिकारी जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को सोमवार को इसके अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। वह निवर्तमान अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी की जगह लेंगे, जिनकी सेवा विस्तारित की अवधि पूरी हो गई है। CBDT आयकर विभाग ने नई नीतियां बनाता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ यह फैसला लिया गया कि जगन्नाथ विद्याधर महापात्र अपने मौजूदा काम के अलावा अगले 3 महीने के लिए या एक नियमित अध्यक्ष नियुक्त किए जाने तक इनमें से जो भी पहले होगा CBDT के अध्यक्ष के पद का कामकाज और जिम्मेदारियां संभालेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत फाटा के भैंसरोडगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान टिटू भील निवासी मामा बस्ती के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा शहर में घर घर कचरा उठाने के लिए लगाए गए कचरा गाड़ी टिप्पर की टक्कर से एक मासूम बालक की मौत हो गई। मृतक 4 वर्षीय लक्की अपने बड़े भाई के साथ घर के पास स्थित दुकान पर टॉफी लेने गया था। कचरा गाड़ी की टक्कर से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उद्योग नगर थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल टिप्पर चालक फरार बताया जा रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।